हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी की सेलर एंट्री के बारे में। इंडियन नेवी सेलर एंट्री जो होती है, इसमें AMR, SSR, AA ये तीनों वैकेंसीज आती हैं, उसके बारे में। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तभी आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। साथ ही साथ ऐसी कोई पुख्ता अपडेट नहीं है जिसके अंदर कि मैं बता दूं कि इस डेट से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपडेट्स आपको पक्के तौर पे मिलती रहेंगी हमेशा, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी सेलर एंट्री के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं की गई है, और ये 2022 में मई है, मई एंड आ गई है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है। इसका मतलब है चीज़ें काफ़ी बदलने वाली हैं आपके लिए आने वाले टाइम में। आपको पता है कुछ टाइम पहले यानी मार्च में ही एक नोटिफिकेशन रिलीज हो गई थी, लेकिन वो फिर से वापस भी हो गई थी। वो थी AA and SSR अगस्त बैच की एंट्री के लिए, और वो ऑफलाइन फॉर्म थी, ठीक है। उसके बाद वो वापस हुई, और उस टाइम से अभी तक सारी चीज़ें बिल्कुल साइलेंस पे हैं, है ना। अब जो TOD है और बाकी सब चीज़ें हैं वो आ रही हैं, और उसको लेकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख दर्द कष्ट पीड़ा आपको हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने होंगी, है ना। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसके लिए हमें ये भी देखने को मिलेगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और जब वो सामने आएंगी चीज़ें तभी हम उसको देख पाएंगे। वैसे अगर हम अजम्पशन के अकॉर्डिंग जाएं तो हम कुछ भी सोच सकते हैं कि ऐसे होगा, यूं होगा, इस तरीके से हो सकता है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो क्या अभी से आप ठीक कर सकते हो उसे? नहीं कर सकते हो, है ना। तीसरी चीज़, आपको वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही हैं, पेपर नहीं कंडक्ट हो पा रहे हैं, और अभी आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अभी देखो आर्मी की भी रैली स्टार्ट होंगी, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की भी होपफुली नेक्स्ट मंथ तक जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी, इंडियन नेवी की तरफ से भी अच्छी चीज़ें आने लग पड़ी हैं। तो जब सभी चीज़ें आपको अच्छे तौर पर पक्के तौर पर लग रहा है कि अब आने लगेंगी, तो फिर डिमोटिवेट होने की क्या नीड है। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो है वो उन सभी लोगों के लिए जो न्यू हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए। भाई आपने तो भी स्टार्ट करा है ना, और स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो गए, तो सोचो जिन्होंने अपना 3 साल 4 साल दिया है, जो 2019 से लेकर अभी तक वेट करते रह गए कि हाँ एक और वैकेंसी आएगी और हम तैयारी करेंगे और फुल ऑन जाकर पेपर देंगे, उनका क्या? तो आप इतनी जल्दी हार मान जाओगे क्या यार? इंडिया में तो ऐसा सिखाया ही नहीं जाता कि इतनी जल्दी हार मान जाओ, हम तो लड़ने के लिए पैदा होते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। तो अभी आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका फर्स्ट चांस है। हाँ, जिनका लास्ट चांस है उनको थोड़ा सा सोचने की नीड है, लेकिन आपके पास भी काफ़ी सारे चांसेज हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और बाकी सब चीज़ें हैं जिसके लिए आप जा सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपने अगर तैयारी की है ना, अगर आपने एफर्ट्स लगाए हैं तो उसको इन वेन मत जाने देना, उनको ऐसे ही बर्बाद मत होने देना, किसी और चीज़ में ज़रूर उसे लगाना, ठीक है। बाकी जो होगा वो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब रही बात की तैयारी की, तो आप लोग अब स्टार्ट कर दो तैयारी करना। तैयारी करना यही नहीं है कि हमने स्टार्ट कर दिया, आज बुक लाया मैंने, मान लो मैं मार्केट गया और बुक लेकर आया और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया, भाई ऐसे नहीं होता है। आपको कंफर्ट बनाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों ने बोर्ड्स दिए होंगे, बोर्ड्स के बाद उन लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई छोड़ दी होगी, उनकी डिस्टेंस हो गई होगी, कहीं घूमना या मस्ती करना, शादियों में जाना, ये सारी चीज़ें। तो आपको अभी समन्वय बैठाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करो, डेली थोड़े टाइम के लिए सेल्फ स्टडी करो, तभी आप इसमें वापस से आ पाओगे और सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो सकेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं कि कब तक सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बोला, एयरफोर्स की नेक्स्ट मंथ तक तो हो सकती है क्लियर, या इसी मंथ के एंड में हो जाए। आर्मी की भी रैलीज बहुत जल्दी ही आएंगी, या जो भी न्यू सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा, तो वो भी होगा। और इंडियन नेवी की अगर बात करते हैं तो इस महीने के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक जो भी चीजें होंगी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी हमारे साथ भी। तो ये सब चीजें आपके सामने आने वाली हैं, आने वाले 15-20 दिन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एकदम मस्त रहो ना, खुश रहो, क्योंकि खुश रहोगे तभी तो, जब तक हमारा इनर पीस नहीं होगा, जब तक हम अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो क्या ही फ़ायदा है ज़िंदगी का, है ना। तो खुश रहो और एकदम मोटिवेटेड रहो। बाकी कोई कंफ्यूजन होती है मुझे पूछो, किसी को भी पूछो, यूट्यूब पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हैं, हमेशा तत्पर हैं, उन सभी से पूछो और फ़ायदा उठाओ।
इन चीजों का, क्योंकि जब हमने तैयारी की थी उस टाइम पे कोई भी गाइड करने के लिए नहीं था, या फिर थे भी तो काफी कम लोग थे, लेकिन अभी आपको काफी लोग गाइड कर सकते हैं, है ना। तो उनको प्यार दो, खुद प्यार लो, और एकदम ख्याल रखो, अच्छे से रहो, मोटिवेटेड रहो, जो भी चीजें होंगी बहुत जल्दी आपको पता लगेंगी, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।